चीन जापान में किस तरह का रिश्ता है सब जानते हैं। जापान ये भी जानता है कि अगर चीन से पार पाना है तो भारत के साथ की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत ही है जो चीन को उसकी भाषा में जवाब दे सकता है। और इसी कड़ी में भारत और जापान के बीच साझेदारियां मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि जापान भारत को न्यू मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉयर यानी कि MSDF से लैस स्टेल्थ एंटीना निर्यात करने की योजना बना रहा है। वहीं 2015 में हस्ताक्षर किए गए रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जापान भारत समझौते के तहत पहला निर्यात होगा, जिसमें जापान भारत को एक खास तकनीक देने के बारे में सोच रहा है। बता दें कि इंडो पैसिफिक में ताकत का सही नियंत्रण हो, इसके लिए क्वाड ग्रुप को धार दी गई। वहीं अब जापान MSDF तकनीक के बाद भारत को एक और नई ताकत दे सकता है, जिसमें जापान मैरिटाइम सिस्टम का निर्यात करने का एक तरह से मन बना चुका है, जिसमें भारत अपने पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को बड़ी शक्ति प्रदान कर सकेगा, जिससे भारतीय नौसेना इंडो पैसिफिक में बड़ी दस्तक देने के साथ ही साथ आगे बढ़ सकेगी। वहीं भारतीय नौसेना नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है, साथ ही साथ तकनीकी हस्तांतरण के अंतर्गत संयुक्त रूप से विकसित भी कर रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भारत के रक्षा क्षेत्र से निकल के आ रही है, जहां एक ओर भारत और जापान मिलकर चीन को खोलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी ताकत में बड़ा इजाफा करने का मन बना लिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत अब सतर्क हो चुका है। वहीं इस बीच भारतीय सेना चीन से लगी सीमाओं पर तैनाती के लिए हल्के टैंकों के विकास करने का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। बता दें कि 354 जोरावर लाइट टैंकों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आ रही कमियों को देखते हुए भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से हल्के टैंक को डिजाइन और विकसित करना जरूरी है। वहीं चीन से सटी LAC पर तैनात करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में T-72 और बाकी भारी टैंकों के लिए LAC पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है। तो ये बात साफ हो चुकी है, अगर चीन को लड़ना है तो भारत भी बिना लड़े हथियार नहीं डालने वाला है।